मिट्टी रखी हूँ, ऊपर से घर का ये छिलका उलका जितना है सब्जी का वो रख दी हूँ, और उसके बाद ये सब डंटी होती है पत्ता का सब छिलकर है वो सब मैं डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा मिट्टी डालूँगी ढके। अब इसमें थोड़ा मिट्टी डाल दे रही हूँ। ऊपर से फिर ये डाल देती हूँ। जितना मेरा गिलका उलका है पेड़ पौधा का पत्ता उत्ता सब मैं इसमें डाल के फिर ऊपर से मिट्टी डाल के तब इसमें रोपूंगी। देखिए ग्रो बैग में मैं टमाटर का पेड़ लाई थी नर्सरी से, उसको मैं रोप रही हूँ। देखिए ये मैं ग्रो बैग को बना के रखी थी मिट्टी उट्टी डाल के पानी डाल के। अब इसमें थोड़ा सा नीम खली तो मैं डाली हुई हूँ लेकिन थोड़ा और डाल देती हूँ नीम का खली, ज़्यादा नहीं डालना है तो मिला लेना है। जा रही हूँ पालक रोपने जा रही हूँ, बीज लाई थी। देखिए ये पालक है, इसको मैं इसी तरह छिड़क दे रही हूँ। उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल देना है। ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना है, हल्का। इस तरह हाथ से इसको दाब देना हल्का हल्का।
उसमें मिट्टी में पानी डाल देती हूँ इस तरह से हल्का हल्का। मग से नहीं डालिएगा नहीं तो सारा बीज इधर उधर हो जाएगी। बस इसको इसी तरह रख देना है, दो चार दिन में इसमें आ जाएगी पालक तो दिखाऊंगी। देखिए मैं ये ग्रो बैग भर ली हूँ झाड़ी उड़ी डाल के, थोड़ा मिट्टी इसमें डाली हूँ, अब इसमें थोड़ा नीम खली मिला लेती हूँ और ये चंपा का पेड़ है इसको मैं लगाने जा रही हूँ। इसको मैं लाई थी नर्सरी से, दो तीन दिन हो गई है अब मैं इसको लगा रही हूँ। नहीं डालना चाहिए, इससे लकड़ी से तो ये कर दीजिए, उसके बाद इसको डाल के मिट्टी में और डाल दीजिए। अब ये हो गई है, रुपा गई है, अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। पानी देखिए ये चना का मैं रोटी हूँ, चना काकड़ी करके कितना अच्छा हुई है, लहरा रही है एकदम बढ़िया से। इसका मैं साग बनाऊंगी, थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो मैं इसका साग बनाऊंगी। यही धनिया मैं रोपी हूँ, धनिया भी निकल गई है, ये पहले रोपी थी तो ये हो गई है, थोड़ा बड़ी हो गई है, अब इसमें भी मैं तोड़ूंगी। ये लहसुन है, लहसुन भी मैं रोपी हूँ बहुत सारा और छत पे है, ये शेडेड एरिया में मैं रखी हुई हूँ और छत पे भी मेरा लहसुन बहुत सारा है। देखिए कैसा लगा हमारा रोपने का अंदाज। अल्लाह हाफिज़।